लोग ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते थे, क्यों बोलते थे, बिकॉज उनके ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो सकता है, दैट इज वैलेंसी, यू कैन से लाइक दिस। अब आते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं ए ब्लॉक को, ए ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। ये लोग भी अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर लेते हैं, याद रखना। इनर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि n माइनस टू में f है, इसीलिए इनर बोल दिया उन्होंने। ट्रांजिशन मतलब चेंज होगा, क्या चेंज होगा, ऑक्सीडेशन नंबर। तो चाहो तुम लिख सकते हो, क्योंकि ये लोग भी अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर सकते हैं। ए ब्लॉक में दो सीरीज है, देयर आर टू सीरीज इन ए ब्लॉक। किसी को याद है डी ब्लॉक में कितने सीरीज है, आई थिंक 3D, 4D, 5D, तीन ही पराग नहीं, 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज है, चार नहीं तीन ही पर आ जाता है, चौथा हंड्रेड डिस्कवरी है। 3D यहाँ पे आता था, 4 में 3D आता है, 5 में एक कम रहता है ना, 5 में 4D आता था, 6 वाले में 5D आता हो। तो D के चार सीरीज है, ये तीन हम लोग पढ़े हैं। उस तरह F के दो ही सीरीज है, इसमें है नहीं, दो ही है, एक है 4F सीरीज और एक है 5F सीरीज। क्यों सोचो, क्योंकि देखो तुम्हारे पास पीरियड 7 तक है, सोचो पीरियड तुम्हारे पास 7 तक है, मतलब एन का वैल्यू 7, अब एन 7 होगा तो एन माइनस 2 कितना होगा, ऑब्वियसली 5, यानी एफ 5 में से ज्यादा आ नहीं सकता, समझ में आ गया होगा ना, क्योंकि एफ एन माइनस 2 में होता है ना, इतना तो कॉमन सेंस सबके पास है, एन माइनस 2, तो 7 में से 2 कम में ही एफ रहेगा, यानी 5 में, 5 से ज्यादा जा नहीं सकता। अब कोई बोला कि नहीं 6F क्यों नहीं है, बोला पगला, 6F होने के लिए एन का वैल्यू 8 होना चाहिए, मतलब 8 पीरियड होना चाहिए, कहां 8 पीरियड है, यहां पीरियड। तो देयर आर टू ट्रांजिशन सीरीज इन ए ब्लॉक, ए ब्लॉक में दो ही सीरीज है, सॉरी ट्रांजिशन इन अ ट्रांजिशन। एक को बोलते हैं हम लोग लेंथेनाइट्स, एक को क्या बोलते हैं हम लोग लेंथेनाइट्स, लेंथेनाइट्स, ठीक है, लेंथेनाइट्स की स्पेलिंग देख लेते हैं। और दूसरे को बोलते हैं हम लोग एक्टेनाइट्स, क्यों बोलते हो भी हम बता रहे हैं। देखो जो पहला लेंथेनाइट सीरीज है, मतलब लेंथेनाइट को हम लोग बोलते हैं 4F सीरीज, मतलब इसमें F में इलेक्ट्रॉन भरेगा, 4F में, जैसे D में तुमने पढ़ा था 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज, राइट। 3D में D में इलेक्ट्रॉन, 3 के D में भरा था 1, 2, 3, 4 ऐसे लाइन से, 4D में भरा था, 5D में भरा था, उसी तरह F में भी दो सीरीज है, एक 4F सीरीज है, 4F सीरीज को हम लोग लेंथेनाइट बोलते हैं, मतलब 4F में इलेक्ट्रॉन भरेगा उसमें 1 से लेकर 14 तक, 1, 2, 3 ऐसे लाइन से। और एक्टेनाइट्स में 5DF सीरीज आएगा। अब सवाल है सर इसका नाम लेंथेनाइट्स क्यों पड़ा, बराबर। तो देखो ये जो सीरीज चालू हुआ है सिलीनियम से, ध्यान से सुनना, ये सीरीज चालू हुआ है सिलीनियम Se 58 से लेकर के 14 जोड़ लो, 58, 59 ऐसे जोड़ लो, 14 तक आराम से आएगा, लुटेनियम तक है Lu, और ये सिलीनियम जो आता है वो लेंथेनियम के बाद आता है, ध्यान से सुनना, यानी इस सीरीज का स्टार्टिंग आफ्टर लेंथेनियम होता है, फिर से इस सीरीज का स्टार्टिंग लेंथेनियम कौन से ग्रुप का है, डी ब्लॉक का, तुमको पढ़ाया गया ला हप्ता, याद है ला हप्ता, तो ला हप्ता में ला तो आ गया, ला मतलब लेंथेनाइट, ला मतलब लेंथेनाइट नहीं सॉरी लेंथेनियम नाम है उसका, मतलब लेंथेनियम के बाद आ रहा है, लेंथेनियम के बाद जो आ रहा है उसका नाम लग दिया लेंथेनाइट्स, बराबर। जाम नदी के बाद जो आ रहा है उसका नाम रख दिया जाम सावली, वैसी लेंथेनियम के बाद जो एलिमेंट आ रहा है उसका नाम रख दिया लेंथेनाइट्स। अच्छा उसी तरह यहां पर भी कहानी है भाई, एक्टेनियम एक एलिमेंट है एक्टेनियम, वो एक्टेनियम डी ब्लॉक में आता है, एक्टेनियम डी ब्लॉक में आता है लेकिन उसके बाद एफ चालू हो जाता है, तो इसलिए सीरीज का नाम रख दिया एक्टेनाइट्स, राइट। तो लेंथेनाइट्स इज ए गैंग ऑफ 14 एलिमेंट्स, लेंथेनियम, देखना कितना कंफ्यूजन होता है बच्चों को, लेंथेनियम बोले थे, एक बंदे का नाम है, एक एलिमेंट है Le, एटॉमिक नंबर 57, इससे कम। और अगर हमने लेंथेनाइट्स बोल दिया तो लेंथेनाइट्स मतलब 14 एलिमेंट्स के सीरीज, पूरे का 14 एलिमेंट मिला के यहां से, तो लेंथेनाइट्स क्या होता है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ 14 एलिमेंट्स इन विच
4f सीरीज मतलब 4f इलेक्ट्रॉन जिसमें भरता है उस सीरीज को हम लोग लेंथेनाइट बोलते हैं। एक्टिनाइट जिसमें 5f इलेक्ट्रॉन भरता है। कहां से चालू होता है? ये चालू होता है बच्चों आपको थोरियम पीएच 90 टू एलआर, एलआर यानी लॉरेंसियम 103। ठीक है, तो ये हो गया लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स, दो सीरीज है बस, लेंथेनाइट सीरीज एक्टिनाइट सीरीज। आजकल तो बहुत सारे सीरीज आ रहे हैं टीवी पे, हॉटस्टार सीरीज आ रहे हैं नहीं क्या, बहुत सारे चीजों कलेक्शन को सीरीज बोल देते हैं। तो यहाँ पर भी लेंथेनाइट्स 14 एलिमेंट्स का ग्रुप है, 4F सीरीज, मतलब सब में 4F 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 जरूर दिखेगा, समझ गया होगा, 4F 1 4F 2 ऐसे भरेगा। अब उसमें भी आएगा वो 4F में हाफ फील्ड मोर फील्ड वाला लॉजिक आएगा नहीं क्या, जैसे D में होता था कि नहीं, D4 होता था तो एक इधर से खींच के अंदर से D5 हो जाता था, उस तरह यहां पर भी हो गया। F में 14 इलेक्ट्रॉन जाता है, F में 14 इलेक्ट्रॉन होता है, 14 का आधा कितना हो गया 7, मान लो 6 है, मान लो 4F में 6 है तो सामने वाले से खींच लेगा S में से और बना लेगा 4F7, हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल, वो लॉजिक यहां भी चलता है। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई, तो F ब्लॉक क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपको। लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स दो सीरीज होते हैं, अभी इनका कॉन्फिगरेशन थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा सा पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो तुम लोग को बोले थे F ब्लॉक का ट्रिक बताना तो बताया नहीं, तुम लोग को जो पढ़ा दिए वही आते हैं, आगे क्या पढ़ेंगे। तो लेफ्ट ब्लॉक में पहला हम लोग पढ़ लेते हैं लेंथेनाइट सीरीज, लेंथेनाइट लेंथेनाइट सिलीनियम से चालू होता है सीई। तो ए ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन हम तुमको बताने वाले हैं, ध्यान से देखना, ए ब्लॉक का हम आपको जनरल कॉन्फ़िगरेशन बताने वाले हैं बच्चों, ध्यान से देखेंगे। तो इसमें ऐसा हो जाएगा, नोबल गैस तो आएगा ही, नोबल गैस तो सब में आता है, उसके बाद आएगा आपको NS2। मैं कैसे NS2 क्लियर समझना, ए ब्लॉक आने के लिए आप S पार कर चुके होते, S में भरा रहेगा बिल्कुल, बी का एक लाइन पार हुआ, ध्यान दो, देखो लेंथेनियम के बाद चालू हुआ, मतलब लेंथेनियम तो डी ब्लॉक है, तो D1 भर गया होगा ना, हो इसमें ऐसा होगा N-1 D1 से 0, 1-0 नहीं है 1-2-0, कभी कभी 0 भी रहता, कोई लगता है वो खींच लेगा उधर, मैं बताया था ना स्टेबिलिटी के लिए, हाँ। और N-2F पर इसी में तो भरेगा, कितने से कितने तक, 1-2-40, समझ गया होगा आई थिंक, चलो करते हैं, हाँ बोलो, क्या अच्छा, उसके बाद अगला चलो ठीक है, इसका भी बनाते हैं। सुनो सिलीनियम की बात हम लोग कर रहे थे, तो लेंथेनाइट जो है बच्चों इसमें 4F आएगा, थोड़ा ध्यान से फील करना, यहां जब 4 आएगा, सोचो N-2 4 है तो ये कितना होगा 5 और ये कितना होगा 6, अब इसी बात है, और इसमें ऐसा आएगा देखो 6S2 दिखेगा आपको, 6-1 यानी 5, ऐसे भी देखो कुछ गड़बड़ है क्या, 4F सीरीज है ना, बराबर बराबर सही है, 6 पीरियड में आ रहा तो 6S2 तो रहेगा सही है, 6S2 5D आपको 1 या 0 दिख सकता है और 4F आपको दिखने वाला है 1-2-14 यहाँ पे पूरे। तो सिलीनियम का हम लिखते हैं बच्चों, सिलीनियम ध्यान से देखेंगे, तो सिलीनियम का क्या होता है 58 है, नोबल गैस कौन सा आएगा पहले ये सोचते हैं, तो पहले ये बात फील करो लेंथेनाइट कौन से पीरियड में आता है, तो लेंथेनाइट 6th में आता है, ये चीज बहुत जानना जरूरी है क्योंकि एन का वैल्यू 6 होगा, तो ये आता है 6th पीरियड में, और ये कौन से पीरियड में आता है 7th, बहुत इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट, कोई लग क्यों सर, क्योंकि जो पीरियड नंबर लिखते वही एन का वैल्यू है, एन डालना पड़ेगा ना इसमें, हाँ इसमें 6 डाल दो लेंथेनाइट का हो जाएगा, इसमें 7 डाल दो एक्टिनाइट का हो जाएगा,
तो ध्यान देंगे सिलीनियम 58 का कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों, सिलीनियम 58 का ध्यान देंगे, तो 58 का हम लोग को लिखना है तो सिक्स्थ पीरियड है, सिक्स्थ में याद करो ट्रिक हमने बताया है नोबल गैस कैसे लिखते हैं, एक कम लिखते हैं, सिक्स्थ में पांचवा नंबर का, तो हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन, तो चलो पहले जेनॉन लिख देते हैं एक्सी, यानी पूरे में एक्सी आएगा, को बोला क्यों देखो सब एक ही लाइन में ऊपर नीचे नहीं है, पूरे पूरे सिक्स्थ में आते सब में एक्सी आएगा, जैसे डी ब्लॉक में सब में एक ही आता था, यहाँ पे आर्गन आता था, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन, इसमें जेनॉन आता था, क्योंकि देखो एफ और डी ब्लॉक को ऐसे याद किया जाता है पीरियड में, ग्रुप वाइज याद नहीं किया जाता है, तो ऐसे में बहुत कम लोग है, पागल हो जाए रखते रहते, दो दो लोग तो है ऐसे ऐसे, तो जे एक्स ही आ गया, अब इसमें आएगा 6s2, देखो जोड़ते जाना 6s2 5d1 और 4f1 ऐसा हो गया, 1 2 चलेगा। अब होता क्या है कि देखो डी में 1 रख के क्या उखाड़ लोगे, तुम डी में 1 रख के क्या उखाड़ लोगे, तो बुक वाले क्या करते हैं इसको 0 करके यहाँ पर 2 कर देते हैं, समझा बात, तो एक ही वन हमने क्या बोला था 0 1 कुछ भी हो सकता है 1 2 0, चलिए उल्टा लिख दिया हमने 0 2 1, ये इसमें चली जाती है डी में 1 रहने से अच्छा है 1 में जाके 2 रहे, ठीक है, तो ऐसे होते जाता है, कभी जब 1 में ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो एफ डी में भेज देगा स्टेबल होने के लिए, समझ में आया, ऐसे आप लिखते जाओ सिलीनियम का कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद आएगा पार्सेडोनियम, उसके बाद नियोडोनियम, उसके बाद ऐसे 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 छोड़ दो पूरा पढ़ना नहीं अपने को अभी, ल्यूटेनियम 12th में है पूरा अच्छे से, ल्यूटेनियम ल्यूटेनियम आखिरी है, लूट लिया तूने मेरा इज्जत लूट गए हम तो सर, 71 का कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगा, एक सी आएगा, ध्यान से देखना 6s2 आएगा 5d1 आएगा, यहाँ पे बोल रहे थे ना, और 4f14 हो जाएगा, यस सब भर गया देख लो, सही है बच्चों, ओके सही है, ये हो गया लेंथेनाइट सीरीज की कहानी, अब बात करते हैं एक्टिनाइट्स की, अब बात करते हैं बच्चों एक्टिनाइट्स की, एक्टिनाइट्स कौन सा सीरीज है बच्चों, 5f सीरीज है, मतलब 5f में इलेक्ट्रॉन भरेगा, तो यहां कैसे चालू होगा बताओ, बहुत आसान है देखो 7s2 से चालू होगा, 7-1 6d021 कुछ भी हो सकता है, डी में क्यों आ रहा है ये बात फील नहीं करोगे तो बाद में बौराओगे, देखो डी में एक इलेक्ट्रॉन भरने के बाद चालू हुआ है, एकदम प्रेम से फील करना, तो जैसे एस खत्म हुआ वैसे एफ चालू नहीं हुआ, देखो लेंथेनियम डी का है यहां लिख दो एलए और यहां लिख दो एसी, तो एलए इस डी ब्लॉक का है, तो डी में एक भर गया फिर एफ चालू हुआ फिर एफ, तो इसलिए डी वन आ रहा है 0 2 1 जीरो टू वन, क्यों कभी कभी वो खींच लेता है, ये तो तुम पढ़े हो ना एस का खींच लेता था तो डी का भी खींच लेगा वो स्टेबल होने के चक्कर में, तो देखो 6d1 उसके बाद आएगा 4f था तो 5f 1 2 14 खत्म, इसका चालू होता है थोरियम से 90, पीरियड नंबर कौन सा है बताओ 7 पीरियड में, तो नोबल गैस 6 नंबर का, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन, तो रेडॉन लिख लो यार यहां पे, फिर देखो 7s2 पहले से लिखा हुआ है, फिर 6d0 हो जाएगा पता ही वो खींच लेगा, और 5f1 होना चाहिए लेकिन 2 होगा, बोला क्यों तुम ऐसा मत करना, नॉर्मल जो सीखे हो वो करना, ऐसे करना फिर ऑटोमेटिक याद आएगा, नहीं यहाँ 0 था और यहाँ पे 2 था, ऐसा जाने दो, ठीक है अच्छा डन 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 डन, चलो अंत में LR 103 लॉरेंसियम खुद से लिख सकते हो तुम, ये भी भर जाएगा ये भी भर जाएगा, भर जाएगा मतलब 10 मत भर देना पागल जैसा, वहां वन ही होता है, चलिए बच्चों तो ये है आपका ए ब्लॉक की कहानी, समझ में आ गया सबको, पीरियड किसको बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल, ऐसा जो हॉरिजॉन्टल है सब, और ग्रुप किसको बोलते हैं जो वर्टिकल, नहीं लिखो तो आप लिख लो ग्रुप का डेफिनेशन, द वर्टिकल कॉलम, कॉलम याद रहेगा ना मकान में डालते कॉलम, उससे याद रखते हैं हम भी मकान में कॉलम खड़ा करो, पीरियड कितने पीरियोडिक टेबल में 7, फर्स्ट पीरियड को क्या बोलते हैं वेरी शॉर्ट, क्यों शॉर्ट बोलते, देखो दो ही एलिमेंट है इधर एक उधर एक, दो सेकेंड और थर्ड एक जैसा है, देखो दो दो का गैंग है, देखो 2 8 18 32 ये तुमको ट्रिक याद होगा, बस वही तो फॉलो कर रहे हैं, तो पहले में 2 फिर अगले 2 में 8 फिर अगले 2 में 18 फिर अगले में 32 और आखिरी वाला इनकम्प्लीट,
क्लियर है, समझ आ गया क्या? तो सेकंड और थर्ड में आठ एलिमेंट है, दो एस ब्लॉक छह पी ब्लॉक, आठ हो गए। इसमें 18 कैसे हुआ? तो दो एस का पी का छह, एस पी तो सब में है, अब डी का 10 जुड़ जाएगा। डी का आंसर चालू होता है 4 से, बताया था हमने, क्योंकि 4 माइनस 1 3d होता है, ये दिमाग में ऐसा सोचना, 4 से कम में डी भरता है, तो यहां से चालू होगा, यहां से एफ चालू यहां से होता है 6, 6 माइनस 2 4 में एफ होता है, 7 में भी एफ होता है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, बीच में खाली है। चलिए नोट कर लीजिए, IUPAC नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर, हैविंग एटॉमिक नंबर मोर देन 100 एंड जिसका जेड 100 से ज्यादा हो उसका नेमिंग। तो बहुत आसान है इनका IUPAC नेम। तो बहुत सारे एलिमेंट का खोज अभी होना बाकी था, तो उन्होंने एक ट्रिक बना लिया था नाम लिखने का, ठीक है। तो जीरो के लिए ध्यान दो, जीरो के लिए नील वर्ड लिखना है, नील सिंबल एन। वन के लिए लिखना है अन सिंबल यू। टू के लिए लिखना है बाई सिंबल बी। थ्री के लिए लिखना है ट्राई, बहुत आसान है, सिंबल टी। चार के लिए लिखना है क्वाड, क्वाड क्यू। पांच के लिए पेंट पी। छह के लिए हेक्स एच। सात के लिए हेप्ट एस, हेप्ट के लिए एस है, ध्यान रखना सेप्ट जैसा। आठ के लिए ऑक्ट ओ। नौ के लिए इन ई। चलो अब यही यूज करना है, बहुत आसान है, जैसे आप बचपन में पढ़े थे। अब आपसे पूछते हैं 101 का नाम, तो 101 का नाम हो जाए, देखो यू से क्या होता अन, जीरो से क्या होता नील, और वन से क्या होता अन। तो अन नील अनियम, अंत में IUM लगाते हैं, IUM याद है, अक्षर लास्ट वाले के नाम में सब में IUM, देखो रदरफोर्डियम ठीक है, सब में डीएम डीएमएल, लेंथेनियम सबको ध्यान से देखो, सीरियम प्रेसिडेनियम न्यूबेनियम सब में IUM है, तो आपको भी अपने मन से IUM लगा लेना है, ठीक है। तो नाम देखो अन, फिर नील, अन नील अनियम, अनियम क्लियर हो गया, अन नील अनियम ये इसका नेम हो गया। सिंबल क्या होगा, सिंबल क्या होगा, तो पहला अन के लिए यू कैपिटल, तो याद होगा एलिमेंट का सिंबल जब बनाते हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और बाकी के सब लेटर्स स्मॉल होते हैं, तो अन नील के लिए स्मॉल एन और फिर स्मॉल यू, ठीक है, यू एन यू, यू एन यू है क्या, 10 है जी। अब इनका नाम रख दिया गया था सबका, बाद में जैसे जैसे नाम खोजा जा रहा था नाम रख दिया गया। 101 कौन है बताओ, एमडी, एमडी यानी मेंडेलेनियम, अबे तेरी मेंडलीफ के नाम पर रख दिए हैं, दिख रहा है मेंडेलेनियम, मेंडलीफ पढ़े हो ना, तो उसी से नाम पड़ा है मेंडेलेनियम। फिर 102 कौन है, नोबियम। 103 लॉरेंसियम। 104 रदरफोर्डियम, ये तो पूरा नाम, ये देखो डोबेनियर याद था तो डोबेनियम, ये देखो सीबोडियम, ये भी साइंटिस्ट का नाम है, ये देखो बोरियम बीएच बोर्स नील्स बोर, एचएस हासियम, ये सब नाम है, ठीक है, कुछ नहीं था, अपना अपना नाम भर लो, लेकिन नाम नहीं पता चले तो हम लोग वो नाम नहीं पढ़ेंगे, ये याद करना है आपको, आना चाहिए लिखने। 102 का क्या लिखेंगे बच्चों बताओ, तो अन अन नील और टू के लिए क्या लगाओगे, बाई और IUM, बाइनियम, आई तो पहले से लगा है, यूएम लगा दो, तो अन नील बाइनियम, अन नील बाइनियम, अन नील बाइनियम, बाइयम बाइयम होगा नहीं, सिंबल देखो यू एन स्मॉल बी, आप ऐसे ऐसे लिखना पूरा, ठीक है। अब आप बताओ मेरे को 1 2 3 का नाम कितना होगा, अगर रहा तो है ही नहीं तो, लेकिन मान लो रहा तो कितना नाम होगा, अन बाई ट्राई, अन बाई
ट्राइनियम। क्लियर हो गया? ऐसे कारक मार्क के क्वेश्चन पेपर में कल के आ जाते हैं, इसका नाम क्या होगा बोल के, सिंबल क्या होगा, ठीक है, इसका सिंबल क्या होगा, अन बाइनियम का बी, ट्राइनियम का स्मॉल टी, UBT। क्लियर है? आपके बुक में भी दिया है 114 का नाम बताओ, 114 का नाम क्या होगा बताओ, अन फिर अन क्वाडियम, अन अन क्वाडियम, अन अन क्वाड लिख लो और IUM लगा दो, क्वाडियम सिंबल हो जाएगा यू अन अन, यानी यू स्मॉल यू क्यू। आगे बच्चों समझ में आई थिंक आ गया होगा। चलिए अब हम लोग को पढ़ना है बच्चों पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, यानी इस पीरियोडिक टेबल में कुछ प्रॉपर्टीज होता है जो रिपीट होता है। तुमको याद है लॉ पढ़ाया गया था कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज जो होते हैं फिजिकल और केमिकल के वो रिपीट होंगे। जैसे एटॉमिक साइज, यहां से यहां तक जाओ बढ़ेगा, सॉरी घटेगा, यहां से यहां तक जाएंगे तो घटेगा, फिर वापस दूसरे लाइन में जाएगा फिर घटेगा ना, फिर घटेगा ना, बार बार वही रिपीट हो रहा। तो वही हम लोग का पढ़ने वाले कौन कौन सा प्रॉपर्टीज, तुम टेंथ में भी पढ़े हो यहाँ भी पढ़ेंगे, यहाँ थोड़ा ज्यादा डिटेल में है, टेंथ तो बस ऐसे पढ़ा दिया इन्होंने, यहाँ बहुत डिटेल में एक एक का पढ़ाया जाएगा। चलिए तो आप इसको नोट कर लीजिए, बीच का बना लीजिए घर से, इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या ट्रेंड्स है, क्या क्या ऐसा ट्रेंड फैशन चल रहा है कि भाई क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा, वो पढ़ना है, ठीक है। तो कुछ कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज में कॉमन ट्रेंड देखा गया है, जैसे कौन कौन फिजिकल प्रॉपर्टी आपको पढ़ाया जाएगा, पहला पढ़ाया जाएगा आपको एटॉमिक साइज, एटॉमिक एंड आयोनिक, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस या रेडाई, दूसरा पढ़ाया जाएगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तीसरा पढ़ाया जाएगा आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, चौथा पढ़ाया जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पांचवा आप देख लो मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर, बस इतना ही ज्यादातर ट्रेंड्स है, उसके बाद इससे आधारित और भी सवाल आते हैं बट ये मेन इतना ही है, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग पहला पढ़ते हैं एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। सबसे पहले एटॉमिक रेडियस क्या होता है समझते हैं। तो कोई भी आपसे अगर पूछे कि एटॉमिक रेडियस मतलब क्या है, तो भाई जैसे सर्कल का रेडियस होता है वैसे गोले का भी रेडियस होता है, सारे एटम गोल गोल होते हैं स्पीयर बॉल जैसे, तो उनका रेडियस नापेंगे, कैसे नापोगे भाई, सीधी बात है। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, देखो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर के वैलेंस सेल तक की दूरी, लास्ट जो सेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है आखिरी वाला, वहां तक की दूरी को हम लोग एटॉमिक रेडियस बोलेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द वैलेंस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस, ठीक है, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द वैलेंस सेल इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है भाई। अभी तो बहुत छोटा होता है, इतना बड़ा तो होता नहीं कि तुम स्केल से नाप सकते हो, दिखता तो है नहीं एटम, तो इनको एंगस्ट्रॉम या पिकोमीटर में नापा जाता है, बहुत छोटा है, दे आर वेरी स्मॉल, छोटे दूरी को काय में नापा जाता है। आप फिजिक्स में पढ़े होंगे कि जब बड़ी चीजों को नापना है तो यूनिट बड़ा कर लिया जाता है और जब छोटे चीजों को नापना है तो यूनिट छोटा भी किया जाता है, याद होगा ना। तो डिस्टेंस ही एक्चुअली ये डिस्टेंस है तो मीटर सेंटीमीटर में होना चाहिए बट नहीं हो सकता बिकॉज पॉसिबल नहीं है, मीटर तो बहुत बड़ा यूनिट है, तो इसीलिए इट इज मेजर्ड, इट इज मेजर्ड इन एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम यूज होता है,
जानते हो एंगस्ट्रॉम का मतलब 10^-10 मीटर, दूसरा पिकोमीटर यूज होता है 10^-12 मीटर, ठीक है, एंगस्ट्रॉम और पिको ही यूज होता है। ओके, अब एक बहुत कॉमन सी बात है कि भाई आप नापोगे कैसे, ये तो बोल तो दिया हलवे, बात बहुत आसान लगा आपका बोलना, बात बहुत सीधी लगा कि द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द वैलेंस सेल, बट एटम कभी भी फ्री तो घूमता नहीं अकेला, तो तुम कैसे नाप लोगे? सोचो कि हमारे पास कोई भी एटम फ्री नहीं है, नोबल गैस को छोड़ के ये सब ऐसे जुड़े जाड़े रहते हैं बॉन्ड बना के, तीन लोग कोई पांच लोग, अब हम कैसे एक का एटम का रेडियस नापे, इसमें तो बहुत समस्या है, कैसे नापे बताओ? तो फिर अलग अलग रेडियस को नापने के लिए अलग अलग तरीके बनाए गए, और अलग अलग कंपाउंड होता है कोवेलेंट कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, तो उस हिसाब से रेडियस को निकालने का अलग अलग तरीका बनाया गया, ठीक है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम था, इलेक्ट्रॉन एक वेव है, तुमने पढ़ा है फिजिक्स में, पढ़ लिया होगा शायद केमिस्ट्री में, कि बोल्स ने बोला था इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, उनकी बात पूरी गलत हो गई, बाद में वो आया था दोनों, कौन आया था, डी ब्रॉगली और एक आया था हाइजेनबर्ग, इन लोगों ने मिलकर ये बात शादी किया था, इलेक्ट्रॉन वेव है भाई, ड्यूअल नेचर होता है, पार्टिकल भी वेव भी, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है तो उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, मतलब वो वेव जैसा है, तो वेव जैसा है तो उसका पोजीशन भी नहीं निकाल सकते सही से, तब तुम एकदम पक्का पक्का बता नहीं सकते कि इलेक्ट्रॉन यही घूम रहा है, तो फिर ये नापे कैसे यार, बड़ी समस्या हो गई। इलेक्ट्रॉन को तुम पक्का नहीं बोल सकते ऐसे गोल घूम रहा है, ये तो बोर्स ने बोला था फंस गया था बेचारा, इसके ऊपर भी हो सकता है आगे भी पीछे भी, याद है तुमको, गलती हो सकता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई फोर पाई, मतलब तुम्हारा इन दोनों का प्रोडक्ट एच बाई फोर पाई से ज्यादा भी हो सकता है, इसके इक्वल भी हो सकता है, मतलब यहां भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है या इसके आगे भी हो सकता है, तो भाई कैसे निकाला जाए, कैसे निकाला जाए, सब समस्या आ रही थी। उसके बाद क्या होता है कि एटम का साइज दूसरे बगल वाले एटम से भी प्रभावित होता है, तो मतलब कैसे, तो एटम उस पर फोर्स लगाएगा, उसको खींच के बड़ा छोटा कर देता है, अगल बगल वाले एटम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन कोई रिजिड बॉडी तो है नहीं, उसको ऐसे दबा दिए तो पास में चला गया तो साइज छोटा हो गया उसका, खींच दिए तो बड़ा हो गया, यानी कुल मिला के हमने देखा कि एटम का जो रेडियस है वो बोलना बहुत आसान है बट निकालना बहुत मुश्किल है। पहला तो एक तो एटम दिखता नहीं भाई, इसको नापोगे कैसे, दूसरा एटम अकेले है, ये सब जुड़े जुड़े हैं तो कैसे निकाला जाए, तीसरा कि इलेक्ट्रॉन भाई फिक्स पाथ पे घूमता नहीं, इलेक्ट्रॉन तो एक वेव है, वहां एक समस्या उत्पन्न हो गई। चौथा हो गया, अभी हमने बताया आपको कि दूसरे सराउंडिंग एटम पे भी डिपेंड करता है, मतलब आपको क्लोरीन का रेडियस पढ़ा दिए 10 picometer मान लो पढ़ा दिए, बट वो गलत हो जाएगा कैसे, अगर क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो 12 हो गया, अबे तेरी, और वही क्लोरीन ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाया तो 8 हो गया, तेरी की जय हो, पागल होने वाला काम इधर तो यार, मतलब कुछ भी फिक्स फाक्स नहीं है इधर, तो भाई कैसे पढ़ा जाए इसको। इन्होंने क्या बोला कि एटॉमिक रेडियस के तीन कैटेगरी कर लो, आप एक एक कैटेगरी को समझ लो तो शायद आप समझ सकते हो कि किस हिसाब से एटॉमिक साइज पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, कितने प्रकार से एटॉमिक रेडियस निकाला जा सकता है, इसको तुम टाइप नहीं है ये, कितने प्रकार से निकाला जा सकता है, ध्यान सुनेंगे। There are four methods to determine atomic radius. There are four types of atomic radius. Atomic radius के चार टाइप हैं. On the basis of किस आधार पे? On the basis of compound and process by which it determine, so compound and process by which it determined, मतलब जैसे निकाला जाएगा उस आधार पे, मतलब निकालने का तरीका और कंपाउंड को देख करके, तुमने पढ़ा होगा दो प्रकार कंपाउंड होता है आयनिक और कोवेलेंट, तो सबने पढ़ा है, तो दो प्रकार के एटॉमिक रेडियस का भी नाम दे दिया, आयनिक रेडियस कोवेलेंट रेडियस, क्यों मतलब क्यों सर, क्योंकि एक ही एटम का आयनिक रेडियस अलग होता है कोवेलेंट रेडियस अलग होता है, क्या बात कर रहे हैं, यस। मान लो तुमसे पूछा हाइड्रोजन का रेडियस, तो आयनिक बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन तो अलग होगा, कोवेलेंट बनाएगा तो वही हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, क्योंकि फोर्स पे फर्क पड़ता है, अभी हम बता रहे थे, ठीक है, ध्यान समझना है जी। तो होता क्या है, चार प्रकार के इन्होंने रेडियस बना दिया, पहला बोला वैन डर वाल रेडियस,
पहला है वंडरवाल रेडियस, एनसीईआरटी खरीद ले बुक सभी लोग, सब दिख जाएगा वर्ड टू वर्ड जो हम पढ़ाते हैं, वंडरवाल रेडियस। दूसरा है कोवेलेंट रेडियस, और उसको रीड करें। तीसरा है बच्चों मेटालिक रेडियस, और चौथा है आयनिक रेडियस। नाम से ही आधा बच्चा जवाब समझ गया, तीन तो वैसे ही समझ गया। कोवेलेंट रेडियस मतलब जब कोई एटम कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा उस वक्त जो उसका साइज है दैट इज उसका कोवेलेंट रेडियस। बोला ऐसा क्या है, मजाक चल रहा है यार, एटम का रेडियस बदलता है क्या? बिल्कुल, अभी हम बोले एटम का रेडियस उसके बगल में कौन है उस पर बदलता है, उस पर कितना फोर्स लग रहा है उस पर ही बदलता है। वो खींच देगा इलेक्ट्रॉन को, फैला देगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो साइज बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन को दबा दिया तो पास पास में घूमने लगा के तो साइज कम हो गया। तो कोवेलेंट बॉन्ड अगर बना होगा तो उसका रेडियस अलग होगा, आयनिक बॉन्ड अगर किसी ने बनाया तो उसका रेडियस अलग, तो आयनिक रेडियस। अब सुनो मेटालिक रेडियस, जो मेटल के एटम होते हैं उनका रेडियस अलग, नॉन मेटल का रेडियस अलग। नॉन मेटल के कोवेलेंट रेडियस नापा जाता है, मेटल का मेटालिक रेडियस नापा जाता है। आयंस का रेडियस अलग, सोडियम का रेडियस अलग होगा, Na प्लस वन का रेडियस अलग होगा। अब वो तो समझ आया कि इलेक्ट्रॉन निकल गया तो रेडियस चेंज होगा। वंडरवाल रेडियस ये क्या है, मॉलिक्यूल का रेडियस। तो एटम और मॉलिक्यूल में फर्क होता है, सब लोगों को पता है। एटम इंडिविजुअल की बात की जाती है, मॉलिक्यूल गैंग हमेशा चिक के रहते हैं, उनका रेडियस कैसे नापा जाए। तो चलो हम लोग देखते हैं एक एक चीज करके, इतना आपने नोट कर लिया होगा ठीक है। तो चार प्रकार के एटॉमिक रेडियस हम लोग समझेंगे, कैसे निकाला जाता है, उनके क्या वैल्यूज होते हैं, इनका एक एक एग्जाम्पल भी लेंगे। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों वंडरवाल रेडियस। तो वंडरवाल रेडियस किसके लिए निकाला जाता है, तो मॉलिक्यूल्स के लिए। वंडरवाल वर्ड जहां भी है समझ जाना मॉलिक्यूल की बात करने वाले हैं। एनसीईआरटी यहां होगा आपके पास, तो आप उसमें देखिए, उसमें डायग्राम बना बड़ी सुंदर। तो सीएल टू एक मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल सीएल टू क्या है, एक मॉलिक्यूल है। अब क्या है मेरे पास, ध्यान से देखना, ये सीएल टू है, दो क्लोरीन क्लोरीन एटम, ये एक मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन ओके। और उसके बाद एक और मॉलिक्यूल ले लो, उसका डिस्टेंस का आधा कर दो, ठीक है बच्चों। ये देखिए डायग्राम, बहुत आसान सा डायग्राम है एनसीईआरटी में। देखिए दो सीएल मॉलिक्यूल है, दिख रहा है, ये भी क्लोरीन ये भी क्लोरीन, दो एटम जुड़ के बना है। अब इन्होंने इसके बीच का दूरी कैसे निकाला, देखो इस क्लोरीन मॉलिक्यूल और इस क्लोरीन मॉलिक्यूल के बीच का दूरी लेकर के आधा, देखो हम कोशिश करते हैं बना दे, बट एग्जैक्टली बनाना मेरे से संभव नहीं है, डायग्राम है भाई। तो दिस इज फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, अब इससे चिपका हुआ एक और मॉलिक्यूल है यहाँ पे बगल में, सॉरी सेम साइज होना चाहिए, तो ये दो मॉलिक्यूल है, थोड़ा छोटा बड़ा हो गया, ध्यान देना तुम्हें एक साम जैसा होना चाहिए। अब क्या किया इन्होंने, इस मॉलिक्यूल के सेंटर से दूरी और इस मॉलिक्यूल के सेंटर के बीच का दूरी ले लिए इन्होंने, देखो ये पूरा दूरी, ये पूरा दूरी आ रहा है 360 पिकोमीटर। अब मैथ तो सबने पढ़ा, इतना तो दिमाग सबके पास है कि दो सर्कल का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अगर 360 है तो एक का रेडियस कितना होगा, क्या करेंगे बच्चों, आधा कर देंगे कि नहीं कर देंगे। तो वंडरवाल रेडियस जो आएगा, वंडरवाल रेडियस जो होगा किसका, सबका नहीं बोल रहे हम, क्लोरीन की बात कर रहे हैं बस, ऑफ सीएल टू इज 360 बाय 2, यानी कितना आ रहा है 180 पिकोमीटर ओके। अब इसमें एक बच्चा सवाल उठाया कि सर कोई जरूरी नहीं दोनों मॉलिक्यूल चिपका होगा, बिल्कुल यानी वंडरवाल रेडियस एग्जैक्ट दूरी नहीं है, बिल्कुल ये ज्यादा चाहता है, वंडरवाल रेडियस हमेशा उम्मीद से ज्यादा आती है, हो सकता हो थोड़ा दूर हो तो वो भी दूरी शामिल हो जाएगा। मान लो ये दो सर्कल है ऐसे थोड़ा दूर है, आप यहां से यहां नाप रहे हो फिर आधा कर रहे हो तो रेडियस से थोड़ा ज्यादा ही आया, तो कोई बोला सर फिर तो गड़बड़ है, बोले नहीं ना पगले ऐसा वैल्यू इतना छोटा है कि इसमें थोड़ी सी गलती होगा कोई गुंजाइश नहीं है, कोई पता भी नहीं चलेगा, इतना छोटा थोड़ा सा गड़बड़ मार दिया कोई दिक्कत नहीं।
समझ में आ गया ना। तो वंडरवाल रेडियस क्या है, डेफिनेशन तुम खुद बना लो, क्या इट इज क्या है रेडियस ना, हाफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल के बीच का दूरी लेकर के आधा कर दो, दैट इज वंडरवाल रेडियस। वाह 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 वाह। और पहली बात सुन लो, वंडरवाल जहां आया मॉलिक्यूल आया, जहां आया वंडरवाल वहां आया मॉलिक्यूल, याद रखना मॉलिक्यूल की बात करेंगे हम, एटम की नहीं। यानी मेरे पास एक मॉलिक्यूल, थिंक अबाउट अ मॉलिक्यूल, पूरे सीएल टू को सोचो, एक सीएल टू दो सीएल टू, दोनों के बीच की दूरी लेके आधा करो, एक सीएल का रेडियस निकलेगा। समझ में आ गया? उस तरह आप सोच लो ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, जितने मॉलिक्यूल एच टू ओ टू सी एल टू वगैरह वगैरह, इटीसी। ठीक है, तो आप लिख ले हाफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, हाफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट, बिटवीन टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, बिटवीन टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, हाफ द इंटर मतलब आपस में, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस के, इनके दोनों के न्यूक्लियस के बीच के दूरी का आधा, इतना तो सिंपल बात है। तो दो तीन चीज ध्यान रखना है, पहले लिख लो, बताते हैं, हाफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस इन सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड स्टेट। ओके, तो तीन चीजें ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज कि ये जो डिस्टेंस होगा, मतलब इसको नापने में क्या क्या सावधानी बरतनी है। सबसे पहला नियरेस्ट नेबरिंग एटम लेना है, मतलब नेबर मतलब तो पड़ोसी होता है, बट कोई पड़ोसी दूर वाला भी हो सकता है। नियरेस्ट नेबरिंग मॉलिक्यूल्स को कंसिडर करें, थोड़ा इसको समझते हैं। जैसे ये एक सीएल टू है, पूरा सीएल टू को हम एक डॉट बना रहे हैं, चलता ना, एक दूसरा सीएल टू, एक तीसरा सीएल टू, एक चौथा सीएल टू, पांचवा सीएल टू, ध्यान से देखते हैं कौन है। अब बताओ कौन सा इसमें से हम निकाल के हाथ पे तो एग्जैक्ट आएगा, ये वाला, क्यों? क्योंकि सबसे नियरेस्ट है और वो दूर दूर भी है। ओके, दूसरी बात ध्यान देना है कि सॉलिड स्टेट में मेजर करो, बोला सॉलिड का है बे, अब मैं पगलू, लिक्विड में मॉलिक्यूल ज्यादा दूर होते हैं, लिक्विड में मॉलिक्यूल ज्यादा दूर होते हैं, गैस में और ज्यादा दूर होते हैं, तुम निकालोगे पूरा गड़बड़ी आ जाएगा, सॉलिड में नापो। को बोला सॉलिड नहीं है तो ये तो गैस है, हमारे ठंडा करो ना यार, जमार हो, पहली बार साइंस पढ़ रहे हो, सीएल टू का हमारे पास गैस है, हमको सॉलिड चाहिए तो हम ठंडा कर लेंगे, हर गैस को ठंडा करने से लिक्विड फिर और ठंडा करे तो सॉलिड बनता था, तो करो यार उतना करो, बड़ी मुश्किल है फिर भी करो। सॉलिड स्टेट में ही मेजर करना है इस रेडियस को, मतलब क्या है कि सॉलिड स्टेट में पॉसिबिलिटी है कि उसके मॉलिक्यूल्स एकदम चिपक के होंगे, ठीक है, नहीं तो गलत आ जाएगा आंसर, वापस बोलना मत मेरे। उसके बाद क्या ध्यान रखना है, उसके बाद क्या ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कि वंडरवाल रेडियस हमेशा कोवेलेंट रेडियस से ज्यादा आएगा और ये नॉन मेटल के लिए यूज होता है। इट इज यूज फॉर नॉन मेटल, को बोला कहे 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 कहे, क्योंकि नॉन मेटल ही मॉलिक्यूल बनाता है, मेटल नहीं बनाता। कभी तुम देखे हो कि सोडियम टू बबरा गए हैं, ऐसा तुम देखे नहीं आज तक, सोडियम सोडियम कभी जुड़ता नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूल बनाने का मतलब कोवेलेंट बॉन्ड चाहिए, कोवेलेंट बॉन्ड तो कभी नॉन ही मेटल बनाएगा, यानी ये नॉन मेटल के लिए ही यूज करो वंडरवाल नाम। ओके, इट इज यूज फॉर नॉन मेटल। नेक्स्ट, वंडरवाल रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस, देखो कोवेलेंट रेडियस भी नॉन मेटल के लिए यूज होगा, वंडरवाल रेडियस भी नॉन मेटल के लिए यूज होगा, यानी ये जो होता है डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स होता है, डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स को लेना है, ये बात बहुत ध्यान रखें, जहां आया वंडरवाल वहां आया मॉलिक्यूल, डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स। उसके बाद क्या बता रहे थे, बुला दी तुम लोग, हाँ वंडरवाल, ये बड़ी स्टार मार्क, ट्रिपल स्टार मार्क, वंडरवाल रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस,
क्योंकि देखो नॉन मेटल के लिए कोवेलेंट रेडियस भी निकलेगा, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड भी नॉन मेटल ही बनाता है, तुमने पढ़ा होगा, तो भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, सब समझा नहीं, कंफ्यूजा दिया अपने, अबे पगलू, ये मेटल मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में, वो एटम एटम के बीच ना पा जाएगा, ये देख देखो, अगर ये सीएल और ये सीएल के बीच की दूरी लेते, देखना अगर ये सीएल और ये सीएल के बीच की दूरी लेते तो कोवेलेंट होता, हाँ दो एटम जो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं। अच्छा अब हमने ऐसा नहीं लिया, हमने क्या किया, इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच का दूरी लिया, देख लो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल, समझ रहा होगा, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल का दूरी लेके आधा करो तो भंडर वाला है, और उसी मॉलिक्यूल में जो दो एटम है उनके बीच का दूरी लेके आधा करो तो कोवेलेंट होगा। एनसीईआरटी में डायग्राम देखना, तुम कौन से पेज में डायग्राम है, पेज नंबर 107, देखो यहां पर दिया है, देखो यहीं पर इन्होंने ऐसा भी नापा था, देखो 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 हम यहीं पर बता रहे हैं, इन्होंने क्या किया था, ऐसा भी दिया है कि देखो इसके बीच का दूरी और इसके बीच का दूरी ऐसा नाप लो, और ये टोटल आ रहा है 198 पिकोमीटर, ध्यान से देखना, दोनों के न्यूक्लियस के बीच की दूरी 198 पिकोमीटर, तो जो रेडियस आएगा कोवेलेंट 198 का था बताओ, 99 पिकोमीटर। अच्छा यहां पर जो रेडियस आया था वंडरवाल, वंडरवाल को क्या लिखेंगे, VWR, तो इतना आएगा 180। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। एंड अब हमने एक बच्चे को बोला कि सीएल का रेडियस बता, सीएल एटम का, वो बच्चा 99 बोला, गलत, हम बोलेंगे 180, मेरा भी सही उसका भी सही है, क्यों, क्योंकि आपका आंसर डिपेंड करता है कि आप कौन सा रेडियस पूछ रहे हो, आप भंडरवाल पूछो तो हम ये बताएंगे, अब ये पूछो तो हम ये बताएंगे कोवेलेंट। एंड अभी हम थोड़ी देर पहले बोले थे कि एटम का रेडियस बदलता है, फिक्स नहीं रहता है, कैसे, उसके बगल में कौन है उस पर डिपेंड है, उसके फोर्स पे डिपेंड है, उसके स्टेट पे डिपेंड है, सब पे डिपेंड है। तो हमने क्या किया, समझ रहा होगा आई थिंक, कि नहीं समझा, नहीं समझा सर, अब देख पगला, सीएल बॉन्ड सीएल सीएल एटम दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड बनाया और इनके बीच का दूरी नापे, तो कौन सा रेडियस, सोच के बताओ, दो एटम जिसको कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं उनके बीच का दूरी निकाल के आधा किए, तो कौन सा रेडियस, कोवेलेंट। अब ये पूरा सीएल टू मॉलिक्यूल है, एक और सीएल टू मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं ना, मॉलिक्यूल एक तो नहीं होता है, बहुत सारे हैं, उनके बीच का दूरी लेके आधा किया तो कल सारे रेडियस, भंडरवाल, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच के दूरी का, और ये ज्यादा आएगा, तुमको भी फील हो रहा होगा ज्यादा क्यों आएगा, क्यों ज्यादा आएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल दूर भी हो सकते हैं ना थोड़े थोड़े, ओके, और बॉन्ड जब बना है तो पक्का चिपक गया होगा इसीलिए वो कम आएगा। तो यही बात हम यहां लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि वंडरवाल रेडियस इज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। कोई एग्जांपल पूछा तो ये बोर्ड पे पड़ा हुआ है, क्या कि वंडरवाल रेडियस ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का है यहां सिर्फ, वंडरवाल रेडियस ऑफ क्लोरीन इज 180 एंड कोवेलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन इज 99। बाप रे आधा है सीधे, ठीक है, लगभग आधा ही है ना, थोड़ा सा कम। चलो बच्चों इतना समझ में आ गया होगा, आई तो क्या हम बोल सकते हैं बॉन्ड लेंथ का आधा, बिल्कुल बोल सकते हैं, जैसे बॉन्ड बनता है, जैसे सीएल का बॉन्ड सीएल से बना, तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, दोनों एटम के बीच की दूरी को बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, नहीं क्या, जैसे एच बॉन्ड एच लिखते हो, ये है ना बॉन्ड लेंथ, तो क्या हम बोल सकते हैं इसका आधा करो तो कोवेलेंट रेडियस, बिल्कुल बोल सकते हैं बॉन्ड लेंथ का आधा कोवेलेंट रेडियस। बॉन्ड लेंथ क्या होता है, जब दो एटम बॉन्ड बनाता है तो ऐसे चिपकते हैं, देखो चिपकते हैं तो लेंथ कहां से नापोगे, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक की दूरी को बॉन्ड लेंथ बोलेंगे, और हम अगर उसका रेडियस पूछ रहे तो आधा करो यार, क्लियर है। अब देखो अगर कोई सिंगल बॉन्ड बनाया तो उसका लेंथ, और अगर कोई डबल बॉन्ड बनाया उसका लेंथ, किसका ज्यादा होगा सोचो, कोई ट्रिपल बॉन्ड बनाया, ट्रिपल बॉन्ड, किसका बॉन्ड की लंबाई ज्यादा होगी या रेडियस ज्यादा हो, जो भी बोलो बोलो जल्दी बोलो, सिंगल डबल ट्रिपल, चलो बोल नहीं पा रहे हैं बेकूफ लोग, बोलो ना, कोई डाउट नहीं है, कुछ आता भी नहीं तुम्हें, ट्रिपल का ज्यादा होगा, गलत। तो बॉन्ड मतलब क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड यहां पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसमें दो लिंक का फोर्स है, इसमें तीन, किसमें फोर्स सबसे ज्यादा होगा, इसमें, ये कस के पकड़ा होगा, तो फोर्स ज्यादा होगा तो लंबाई कम होगी, सीधी बात है, अभी हम बोल रहे थे ना फोर्स पे डिपेंड है, तो ट्रिपल बॉन्ड का लेंथ सबसे कम होता है तो उसका कोवेलेंट रेडियस भी सबसे कम होगा। अब देखो ऐसा पढ़ाया जाता है, कार्बन का कोवेलेंट रेडियस अगर सिंगल बॉन्ड में है, तुमको बार बार बोलते हैं एनसीईआरटी इज द बेस्ट, कार्बन का अगर सिंगल बॉन्ड में है, देखो यहां पर सब दिया,
कार्बन का जब सिंगल बॉन्ड है, कार्बन सिंगल बॉन्ड सिंगल, कोवेलेंट रेडियस है इसका 154, ध्यान से सुनना 154, कार्बन सिंगल बॉन्ड सिंगल का 154 पिकोमीटर, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का 133 पिकोमीटर और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का 120 पिकोमीटर। क्या है ये रे? बॉन्ड लेंथ है भाई। अब इसका अगर कोवेलेंट रेडियस चाहिए तो आधा कर दो, हो गया कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक, फोर्स पे ज्यादा फोर्स है। अच्छा, उसके बाद एटम वाइज भी डिपेंड होगा। जिस एटम में ज्यादा फोर्स बनाने की क्षमता है, जैसे देखो फ्लोरीन, और फ्लोरीन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, तो बॉन्ड लेंथ को कम कर देगा। ठीक है बच्चों, जैसे देखो, देखो अगला एग्जांपल, एच बॉन्ड है तो ये 74 है, और अगर एफ बॉन्ड है तो 144 है। लिख रहा है क्या? ओके, सीएल है तो ये 199 है। क्यों? सीएल का साइज बड़ा है, आराम से तुम इसको देख के समझ सकते हो, 199 पिकोमीटर, ये सब बॉन्ड लेंथ पढ़ रहे। तो कोवेलेंट रेडियस आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि दो एटम जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं उनके बीच के दूरी का आधा। यहां देखो, यहां पर हमने बनाया है, चलिए नहीं तो फिर से हम बना देंगे आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। एग्जांपल ला लेते हैं, देखिए मेरे पास एक सीएल एटम है, एक दूसरा सीएल एटम है, इनके बी इन, इसका न्यूक्लियस ले लो टक 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 टक, इसका न्यूक्लियस ले लो टक 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 टक, इनके बीच के दूरी को हम लोग बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। दो एटम जो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा है उन दोनों के न्यूक्लियस के बीच के दूरी को हम लोग बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। और उसका ही आधा अगर तुम कर दो, उसका ही अगर तुम आधा कर दो तो आ जाएगा कोवेलेंट रेडियस। बॉन्ड लेंथ बाय टू बोलो, या बोलो दोनों एटम के बीच के दूरी का आधा, एक ही बात है।